अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज कुछ डेवलपमेंट हुई जी। एक तो सबसे बड़ी ये हुई कि इमरान साहब ने तमाम ज़िमनी इंतखाबात से अपने जो नॉमिनेशन पेपर थे वो वापस ले लिए और जो साबिका MNAs थे उनको कहा कि जी आप जाएं और जाके अपने नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो फाइल कर दें। अच्छा, उसकी 2-3-4 पता नहीं कितनी वजूहत लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन 2-3 जो हैं वो बड़ी सॉलिड हैं। एक तो ये था कि टेरियन वाइट का केस जो है वो चल रहा है और उस केस में इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं तो पब्लिक होल्डर नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, तो मैं जवाब दे नहीं हूँ। अच्छा, उस पर लोग ये कह रहे हैं कि जी 6 सीटों से तो जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन तो जारी किया, वो जीते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया। जब तक वो नहीं उठाएंगे, वो MNA नहीं बनते, वो पार्लियामेंट में नहीं जाते, तब तक वो पब्लिक होल्डर नहीं बन रहे हैं, पब्लिक पोजिशन होल्डर उनकी कोई होगी नहीं। तो इस वजह से दोबारा इलेक्शन में भी नहीं जा रहे, क्योंकि तब वो जब नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तो तब उनसे सवाल हो सकता है और उसकी बुनियाद पर कहीं पे भी उनके कागजात रिजेक्ट हो जाएंगे तो बड़ी उनके लिए सुक्की की बात होगी। तो इस वजह से इमरान साहब थोड़ा सा डर गए, घबरा गए, पीछे हट गए और इमरान खान की पार्टी के लोग कह रहे जी इमरान खान से क्यों बच्चों का पूछा जा रहा है। तो देखिए, इमरान खान साहब से सवालात, मैं तो खुद वैसे इतनी जातियात में जाने के हक में नहीं हूँ, लेकिन एक लीडर जब आपने आपको लार्जर देन लाइफ साबित करने की कोशिश करता है, रियासत मदीना की बातें करता है, तो फिर उसका तो दामन बिल्कुल साफ होना चाहिए। फिर वो जब अपने आप को एक फरिश्ता जाहिर करने की कोशिश करता, बातें ऐसे करते जैसे अल्लाह ताला उनको वही भेजते हैं, नाउज बिल्ला नबूवत के उनके दावे हो रहे होते हैं और वो अपने आप को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ मिला रहे होते हैं और आप देखें हमेशा इस्लामिकता है, तो फिर इस्लाम के मुताबिक तो आपको फिर सादिकुल उम्मीन होना पड़ेगा। सादिकुल उम्मीन ये है कि जो भी आपके बच्चे आप जाहिर करें, और आप छुपाते क्यों हैं? या तो फिर और मसला ये कि इमरान की कल्ट फॉलोइंग को फर्क तो कोई पड़ना नहीं है, वो तो सुम्मुम बुकमुन उम्युन है इमरान के जो फॉलोअर्स हैं, तो उनको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। इमरान कुछ भी कर दे, उन्होंने सिर्फ इमरान की बात को सुनना होता है, लेकिन रियासत का एक कानून होता है ना, और रियासत मदीना का भी कानून होता है, तो उसका अपना एक सजा भी होती है। तो अगर इमरान साहब ने ऐसा कुछ किया हुआ है तो इमरान साहब को सामने आके जवाब दे तो होना पड़ेगा, अगर वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उनकी मिसालें देते हैं। और फिर बात ही होती है कि इमरान साहब बड़ा कहते हैं जी ये चोर ये डाकू है, भी APC में बुलाया जा रहा है तो कह रहे हैं जी मैं इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो अगर चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठना तो घर में पिंकी पीनी क्यों रखी हुई है, जिसके बारे में आपको जनरल आसिम मुनीर ने बताया था कि जी वो तोशाहाना से चोरियां कर रही हैं, मलिक रियाज वाला किस्सा बताया उन्होंने आपको, फराग गोगी की बातें बताई, तो उस पर तो आप नहीं बोले। तो यानी कि अगर वो चोरनी आपके लिए कुछ कर रही है या आपके मुफादात का तहफुज हो रहा है तो फिर आपको मसला नहीं, फिर आप उनके साथ बैठ जाते हैं। पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ भी बैठ गए, MKM को कातिल जमात का उसके साथ भी जाके बैठ गए, तो जहां मुफादात हो और तालिबान जैसे दहशतगर्दों के साथ भी बैठने के लिए तैयार हो, तो क्यों मुफादात ना, जहां मुफादात नहीं वहां तो आपको मुल्क जो होता है जहां मर्जी जाते, इसलिए APC में भी नहीं जा रहे। तो बात हो रही थी उसकी, एक उस वजह से इमरान साहब का हो रहा है कि जी कागजात नामजदगी वापस ले। एक और वजह भी है, वो है जी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी इसके ऊपर बड़ी बहस हुई। शाह महमूद कुरैशी जो थे वो कह रहे थे इमरान साहब को कि आप बाकी उम्मीदवारों के ऊपर भी एतबार करें, आप उनको भी मौका दें, वो जाएं, एक्टिविटीज हों, हमारे लोगों में एतमाद है, कल को इन्होंने ही खड़ा होना, आप हर जगह पे खड़े नहीं हो सकते। तो असद उमर का कहना ये था कि नहीं नहीं नहीं, हमने एक जगह पे आपकी बेटी को खड़ा करके देख लिया, हम हार गए, तो खान साहब को हर जगह पे खड़ा होना चाहिए। तो शाह महमूद कुरैशी इस मामले में गुस्से के ऊपर आ गए और उनमें बड़ी मुमारी हुई, वो शाह महमूद कुरैशी चले गए और फिर इमरान खान ने सीनियर लोगों को भेजा कि जाएं जाके शाह महमूद कुरैशी को मना के लाएं, तो मना के लाए, तो ये बड़ी भी एक बहस हुई। तो है हो सकता है कि इसकी वजह से भी इमरान खान साहब को ख्याल आया हो कि कल को जाना तो इन्हीं उम्मीदवारों ने, मैं पूरे 342 हलकों में तो खड़ा नहीं हो सकता और उसके बाद सूबाई असेंबलियों के मिला दो 13-14 हलकों में इमरान खान अकेले तो खड़े नहीं हो सकते हैं, कोई तुक लॉजिक बन ही नहीं रही, तो इन लोगों पर भी तो एतबार करना ही है। तो दूसरा, इमरान खान को शायद ना आदत पड़ गई टेस्ट करने को मैं कितना पॉपुलर हूँ, तो देखें जब आपके सामने PDM भी नहीं होगी, वो तगड़ा ही उम्मीदवार नहीं होगा, आपने जीत तो जाना ही होता है, वो सारे उम्मीदवार आपके लिए जोर लगा रहे होते हैं और आपको वोट पड़ रहे होते हैं, और वो कोई इतनी बड़ी आपकी कोई कामयाबी नहीं होती है कि अगर आप हर जगह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ, तो आप अपने उम्मीदवारों को खड़ा करें, अगर वो जीतते हैं तो फिर समझ आते हैं कि हाँ साहब आप पॉपुलर हैं, ये मैं पॉपुलरिटी आपकी नहीं मानती। अच्छा जी, तो खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जो थे वो वापस ले लिए और APC का आपको बताया कि जी वज़ीर आज़म ने कॉल कर लिया, इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम नहीं जाएंगे, हम पे बड़े जुल्म। एक तो PTI वालों का मसला ये है
कि इनको लगता ये कि जो जुल्म इनके साथ होता है तारीख में यही पहली दफा हो रहा होता, अपने सारा भूल जाते हैं। कल फवाद चौधरी साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में थे और फवाद चौधरी साहब के आंसू बह रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी बच्चों को बड़ा बुरा महसूस होता है, और काशिफ अब्बासी साहब ने भी इमाद यूसुफ की मिसाल देनी शुरू कर दी, जो शहबाज गिल के साथ ARY के जो न्यूज़ डायरेक्टर हैं, शायद के कंटेंट डायरेक्टर मुझे पता नहीं है जी उनका कुछ भी, तो उनका उनका नाम बिरगत तो उनके जब घर से लेके गए तो बच्चे बड़े ट्रामेटाइज होते हैं, तो काशिफ अब्बासी को भूल गया कि मरियम को नैब में उनके वालिद के सामने और छोटी बच्ची के सामने गिरफ्तार किया गया, तो उनकी जो बच्ची थी वो वहाँ पे धाड़े मार मार के रोई, लेकिन नैब वाले पकड़ के लेके गए थे, तो मरियम की तो बच्ची थी ना, और फिर कमरुल इस्लाम के भी तो बच्चे थे ना, और फवाद हसन, फवाद अहद चीमा, मतीउल्लाह जान जिसको अगवा किया गया उसके बच्चे थे, अब सार आलम को गोली मार के उनके बच्चे भी अभी तक डरते हैं, उनके बच्चों ने कहा छोड़ दें इस जर्नलिज्म प्रोफेशन। काशिफ अब्बासी ने भी वो मसले चीज़ें वो देखी नहीं है जो दूसरों ने भुगता है, और ना ही फवाद चौधरी ने इतनी जेल काटी है। फवाद चौधरी 3 दिन के बाद बाहर आ गए थे जेल से, और अहद चीमा का वापस आए, और शबाज वो जो थे हमजा शबाज जो थे ना, उनकी 18 साल के बाद बेटी हुई थी और 2 साल की होगी थी बेटी, वो अपनी बेटी को नहीं देख सके थे, तो बच्चे दूसरों के भी होते हैं, उनके खानदानों की इज्जत करें। अभी फवाद चौधरी का एक क्लिप चल रहा था, ये PTI दौर में एक कानून बनाया गया था कि जो भी कोई हुकूमत की तस्दीक या तोहीन करेगा तो मुकदमा कायम कर दिया जाएगा उसके ऊपर, तो सहाफ़ी एंकर सवाल कर रहा है कि फवाद चौधरी साहब ये कैसे साबित होगा कि तोहीन और तस्दीक, तो फवाद चौधरी ने आगे से कहा था कि अदालतें साबित करेंगी, उसमें 6 महीने वो अंदर रहेगा, उसके बाद बाहर आएगा, पता चलेगा तोहीन नहीं की तो फवाद चौधरी को कोई बात नहीं, बाहर तो आ जाएगा ना, यानी कि 6 महीने बाद वो बंदा बाहर आएगा और आपको उसका बाहर आना जो है वो कुछ नहीं लग रहा, और आप अपनी दफा 3 दिन के ऊपर बिल बिला रहे हैं, फिर कहते हैं कि इस तरह तो कत्ल के मुजरिम में 12-12 साल जेल में रहते हैं, बाहर आते पता चलता उन्होंने कत्ल नहीं किया तो सेक्शन 302 खत्म कर दें। ये मिसालें देते थे फवाद चौधरी साहब जो आज बैठ के रो रहे थे, ये अभी भी लाडले सिस्टम के, शेर रशीद भी लाडला सिस्टम के, अब शेर रशीद को कह रहे जी पकड़ लिया गया, तो शेर रशीद को पकड़ के क्या कहा गया, शेर रशीद को ये कहा गया कि आपने कहा है कि आसफ अली जरदारी जो है वो दहशत गर्दों के साथ मिलकर कत्ल की थे, क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग कर रहे इमरान खान की कत्ल की, तो आपको पकड़ के बताया ना आपके पास जो सबूत है, फिर आप कितनी बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं इस मुल्क के साथ कि आप कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है वो दहशत गर्दों के साथ मिली हुई हैं, ये इतनी बड़ी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ किसी ने नहीं की जो इमरान खान कर रहा है, और इसी इमरान खान को आपने लाडला बनाया था, यही इमरान खान आपको दुनिया जहान में बेइज्जत कर रहा है, ये पाकिस्तान का कहां से खैर हुआ है, ये दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्द, इसकी एजेंसियां दहशत गर्द, क्योंकि मुझे मानना चाहिए सिर्फ अपने मुफादात के लिए, ये बंदा अपने मुफादात के लिए किसी भी हद तक जाके गिर सकता है, और ये इमरान खान है, इसको ये लग रहा है ये सियासी इंतकाम है, खुद अपने दौर में क्या दावे करते रहे कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन उतार दूंगा, नवाज शरीफ जेल में मिनते करते रहे कि मुझे बीवी के साथ बात कर लेने दे, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, थोड़ी देर बाद उसको बीवी की डेथ की खबर दी गई, और उसकी बीवी बीमार थी, कितना मजाक उड़ाते थे, फिर उनकी वालदा की जब डेथ हुई पाकिस्तान, कितना ये मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते थे ये लोग, और आज इनको इंसानियत और इंतकाम इमरान खान साहब को याद आ रहा है, नवाज शरीफ जब यहां से गए थे जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो इमरान खान उनकी नकलें उतारते थे इमरान खान साहब, और आज अपनी टांग जिस पर गोली लगी भी नहीं है उसको लेके बैठे होते हो, और 4 महीने हो गए वो कह रहे जी गोली लगी नहीं, शौकत खानम की रिपोर्ट है अपनी, इनकी GIT की रिपोर्ट है कि कुछ नहीं टांग को हुआ हुआ इनके, लेकिन खान साहब जो हैं वो उसको लेके बैठे हुए हैं और उनको मजलूमियत याद आ रही है, तो खान साहब आपको टाइम भूलना नहीं चाहिए, और अभी भी इमरान दोबारा हुकूमत में आ गए ना, इस हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, इमरान ने तो नस्लें ख़त्म कर दी इन सियासतदानों की, जितना मुंतकिम मिजाज वो बंदा है, वो सिर्फ इंतकाम पे यकीन रखता है, उसने 4.25 सिर्फ इंतकाम लिया है, उसने इस मुल्क में हर तनकीद करने वाले से इंतकाम लिया, हर सहाफ़ी से, और निकलने के बाद वो जिस बंदे ने उसको पे उसको एहसान किया है वो उससे इंतकाम ले रहा है, ये पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब है, कहते हैं ना कौम का एक फितना पाकिस्तान का फितना इमरान खान है, इनकी पार्टी के लोगों की तो गिरफ्तारी ही वो नहीं हो रही, इमरान खान को तो अभी कुछ कहा ही नहीं गया है, इमरान खान को तो अभी हाथ नहीं लगा, और ये जो लाशें गिरी हैं शहीद हुए हैं लोग हैदर पख्तूनख्वा में, तो इनके बनी गाला के जो जमान पार्क उसके बाद भंगड़े डाले जा रहे थे, धमाले डाली जा रही थी, ये इसको एहसास है उन लोगों का जिन खानदानों की शहादतें हुई हैं उनके गम मना रहा था ये बंदा, ये इसका हाल है, तो
इस बंदे को इलेक्शन किस लिए चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जो मेरी करप्शन अब पकड़ी जानी वो ना पकड़े जाए, मैं वापस आकर सबकी ऐसी की तैसी कर दूं कि मेरे ऊपर बात क्यों की थी। ये पाकिस्तान का ताहयात सदर बनना चाहता था कि मैं ताहयात सदर बनूं, मैं इतना पावरफुल बन जाऊं कि मेरे आगे कोई ना बोल सके, मैं जिसकी चाहूं गर्दन उड़ा दूं, मैं जिसको चाहे जेल में डाल दूं, मैं जिसको चाहे रिस्क दूं, मैं जिसको चाहे जिसका रिस्क छीन लूं। ये इस लेवल पे ये बंदा जो है ना वो मुंतकिम मिजाज है, इस लेवल पे ये बंदा सोचता है। तो ये जी आज की सिचुएशन थी जो आपके सामने है, और पाकिस्तान इसकी हिफाजत अल्लाह ताला करे। बड़े मुश्किल हालात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है, और अवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है, सियासी इस्तेहकाम की इस मुल्क को अंदर ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने APC बुलाई है, तमाम सियासी जमातें मिल बैठे और आपस में मिल के निकालें इस मुल्क को, मुश्किल से निकाल सकती हैं, लेकिन इमरान खान नहीं निकालेगा, वो नहीं निकालेगा, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इस मुल्क की कोई भलाई हो रही हो, हर वो काम करेगा जिससे सिर्फ उसकी ज़ात की भलाई हो रही हो। तो जी ज़रूर कोई डेवलपमेंट हुई तो फिर आपके साथ करेंगे, और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या इमरान खान APC में आएगा कि नहीं आएगा। अल्लाह हाफिज़।